अटरू क्षेत्र के झाड़ोता स्थित देवधाम मंदिर पर देवधणी देवनारायण के दरबार में ढोल बजाकर अपने परिवार का संचालन करने वाले इस परिवार को एक समाज विशेष के लोगों द्वारा प्रताड़ित करने और ढोल छीनने की शिकायत जिला कलेक्टर को करने के बाद न्याय न मिलने से आक्रोशित परिवार आज उपखंड कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गया। आपको बता दें कि झाड़ोता स्थित देवधाम पर राव परिवार के लोग ढोल बजाते हैं। नगर समिति के सदस्यों द्वारा इस पर आपत्ति जताई है, जिस पर ढोली परिवार के लगभग 10 सदस्य महिला पुरुष एवं बच्चों समेत अटरू उपखंड मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं। उधर उपखंड अधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि दो समाज के बीच संघर्ष का मामला है, जिसकी कलेक्टर साहब को सूचना दे दी गई है। सर, धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर साहब के पास भी हम दो बार जा चुके हैं और इसके अलावा SDM साहब के पास, मोटपुर थाने में SHO साहब के पास, सबके पास जा चुके हैं। तो न्याय नहीं मिला तुम्हें? नहीं मिला सर। अच्छा, तो क्या मामला है तुम्हारा? सर, मामला है कि हमारा पुश्तैनी मकान बना हुआ है झाड़ोता, जो कि मंदिर परिसर से बाहर है, उसकी सीमा से भी बाहर है। उसका मौका मुआयना तहसीलदार जी कर चुके हैं, फिर भी वहाँ की जो समिति के सदस्य हैं और समिति है, वो हमें परेशान कर रही है, जान से मारने की धमकियाँ दे रही है। भाई, हर 15 दिन में हमें जान से मारने की धमकियाँ दे रही है। कितने सदस्य हैं मकान में तुम्हारे? मेरे पिताजी चार भाई हैं, उनका पूरा परिवार है, वहीं रह रहे हैं और मंदिर पे 300 साल से ढोल बजा रहे हैं। तो अभी क्या क्या किया ढोल का? सर, हमारा ढोल रख लिया उन्होंने, क्या या तो तुम मंदिर पे ढोल बजा लो या फिर ये मकान रख लो।